बैक टू सुनीता फूड स्वीट्स ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा काम हो गया है। तो चलो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको नेचर से रूबरू करवाऊँ। मैं रोज़ सुबह उठ के छत पर आके मैं पहले यहाँ खड़ी होती हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है, हरे हरे पेड़ चहचहाते पंछियाँ। तो आज हम कृष्ण भोग के लिए बनाएंगे मखाना का खीर। तो ज़्यादा देरी ना करते चले वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हम गैस को ऑन कर दे, ऊपर बैठा देंगे पैन को, फिर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल के मखाना को हम इसमें डाल देंगे। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक इसे शॉर्टे कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है। फिर डाल देंगे इसमें दूध, यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप दूध ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा, आपके पास अगर कच्चा नारियल तो उसे भी आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने 1 बड़े कप चीनी डाला है, अब इसको अच्छे से मिला देंगे तो खीर बहुत ही जल्दी बन जाता है मखाना का। फिर ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, खीर हमारा रेडी है। तो पहले हम भगवान जी के थाली में भोग के लिए प्रसाद निकाल लेंगे, फिर जितना बचा एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस आप इस तरीके से घर में मखाना का खीर बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। अब है पूजा करने की टाइम, तो फटाफट से चलो पूजा कर लेते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, आज का रेसिपी ब्लॉग जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और हाँ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर छोटा सा ब्लॉग के साथ, एक यूनिक सा रेसिपी लेते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।